गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टॉक केयर। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्स सीमेन। आज हम बात करेंगे सेक्स सीमेन के बारे में। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेक्स सीमेन होता क्या है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या वो सेफ़ है यूज़ करने के लिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि सेक्स सीमेन कहते किसको है। सेक्स सीमेन बेसिकली जो है वो एक सीमेन का टाइप है। ओके, वो फीमेल का कंसेप्शन रेट बढ़ा देता है। मतलब जो आपके डेयरी फार्म है, एक प्रॉपर अगर आपके पास डेयरी फार्म है तो आप चाहोगे कि वहाँ पे और फीमेल्स और फीमेल बेबी जन्म ले। तो जिसके वजह से होगा क्या कि आपका जो डेयरी फार्म है वो और बढ़ेगा, उसका ग्रोथ बढ़ेगा, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेंगे, आपकी इनकम का सोर्स बढ़ेगा। तो उसी चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने सेक्स सीमेन का ईजाद किया है। वैसे देखा जाए तो इसका प्रेगनेंसी रेट, मतलब कंसेप्शन रेट जो है वो थोड़ा सा 10-20% कम है। वो भी इसलिए क्योंकि इस सीमेन में जो कंसंट्रेशन होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, इसी वजह से इसका जो सीमेन रेट है वो थोड़ा सा कम है कंसेप्शन रेट। बाकी वरना ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके फार्म को आगे और डेवलप करने के लिए। बस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। अराउंड 1500 से लेकर के 2000 का एक डोज पड़ता है। और अगर उस वक्त अगर कंसीव नहीं की तो मतलब 1500 से लेकर 2000 रुपये आपके वेस्ट हो गए, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। क्या सेक्स सीमेन सेफ है यूज़ करने के लिए? तो ये 110% सेफ है। साइंटिस्ट ने इन्हें सेफली ही बनाया है हम जैसे लोगों के लिए जिनका खुद का डेयरी फार्म है और वो अपना डेयरी फार्म को आगे और डेवलप करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। तो ये प्रॉपर सेफ है। ओके, तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि हमारे सेक्स सीमेन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये कि सिर्फ फीमेल बेबी का ही जन्म होगा, और अब सिर्फ फीमेल बेबी का जन्म होगा तो हमारे फार्मर्स का इनकम का सोर्स बढ़ेगा। दूसरा फायदा ये भी है ना कि ये उनके बॉडी में जेनेटिकली भी इम्प्रूव होते हैं। ओके, मतलब इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू जीन्स, डीएनए एंड ऑल डैट, बट इतना जान लीजिए ये फायदेमंद है, अच्छा है। आपके फार्म की बायो सिक्योरिटी को भी बढ़ाएगा। बायो सिक्योरिटी कैसे? मतलब बाहर से अगर आप कोई हीफर खरीदोगे तो आपको नहीं पता है ना कि उसमें कौन सा डिजीज़ होगा। जाने अनजाने में अगर कोई डिजीज़ हो तो, जैसे प्रोलैप्सिस ही हो तो कौन जानता है, तो उस चीज़ को रेट को कम कर देगा, मतलब बायो सिक्योरिटी को और बढ़ा देगा। अब आपके फार्म में अगर ज़्यादा फीमेल हीफर्स होंगे तो भाई साहब, जो पुराने एनिमल्स से उन्हें हम रिप्लेस करते हैं ना, तो अब नए फ्रेश एनिमल्स ज़्यादा आएंगे तो आपके फार्म का ग्रोथ भी और बढ़ेगा। कुछ लिमिटेशंस है इसको यूज़ करने के लिए। एक सेकेंड, पहले मैं एक बात बता दूँ, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस दोनों अलग अलग चीज़ें। लिमिटेशंस मतलब इसको आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं तो उससे यूज़ करने के प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और डिसएडवांटेज मतलब इसको नहीं यूज़ करने के क्या डिसएडवांटेजेस है, समझ रहे ना। तो हम अभी लिमिटेशंस की बात करेंगे। पहला तो ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है। ओके, तो बार बार इसे लगवाना आई डोंट नो, बट थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। बस इस मशीन को मतलब एआई करने के लिए जब आप सेक्स सीमेन का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप 2000 मतलब जहां आपको 15-20 रुपए या फिर 30 रुपए, चलो 100 रुपए में जो आपको एक सीमेन का स्टिक मिल रहा है वो आपको 1500-2000 मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप कोई एक्सपर्ट पे ही जाना चाहोगे ना कि हाँ ठीक है कोई एक्सपर्ट ही रहे तो वही ये काम कर दे। तो इसके लिए एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है। जब हम सेक्स सीमेन को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो सही जगह जाए एंड ऑल डैट, जो भी है वो तो एक्सपर्टाइज ही देख लेंगे अपना। साथ ही इंडिया में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इस वजह से भी हो जाता है ना क्योंकि यहाँ पे कंसम्पशन रेट ऑलरेडी कम रहता है, और उसके बाद फिर यहाँ के जो देसी गाय है वो थोड़ा धीरे मतलब आराम से कंसीव नहीं कर पाती है। ओके, इवन बहुत सारे फार्म में यही दिक्कत आती है मेजरली, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही आप सेक्स सीमेन की तरफ ही प्रोसीड करें, वरना ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय द वे, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पर भी बात कर सकते हैं, मैं हर जगह रिस्पॉन्स कर दूंगी। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके लिए एक छोटा सा सिर्फ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स होगा। तो प्लीज़
और हमारा खुद का फेसबुक का ग्रुप भी चलता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप फैमिली का भी पार्ट बनते। थैंक यू।